सोलन में आजकल रोज बारिश हो रही है। ये बारिश किसानों के लिए वरदान बनकर बरस रही है। ये बारिश आजकल लग रही सभी फसलों के लिए बढ़िया बताई जा रही है। सभी किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के चलते जहां पहले किसान बेहद हताश और निराश थे, वहीं अब बारिश होने से सोलन का अन्नदाता बेहद उत्साहित है और इस बार अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा है। प्रदेश सरकार ने भी किसानों को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आने दी है। उनकी फसल पहले की तरह मंडियों में पहुंच रही है और उनके अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। सोलन के किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आजकल जो बारिश हो रही है वह उनकी फसल के लिए अमृत से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिक बारिश होने से उनकी फसल में कई तरह के रोग लग जाते थे, लेकिन इस बार बारिश संतुलित मात्रा में हो रही है, जो उनकी फसलों के लिए बेहद लाभप्रद है। उन्होंने बताया, टमाटर, गोभी, फ्रांसबीन, शिमला मिर्च, मूली के लिए बेहद अच्छी है। संतुलित मात्रा में बारिश होने से उनकी फसल लंबे समय तक चलेगी। उन्होंने कहा कि फसलों के दाम इस बार बेहद अच्छे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश सोने पर सुहागा शामिल हो रही है। जो इस बार बारिश है, ना तो बहुत ही ज़्यादा है ना बहुत ही कम है, इससे किसानों को भरपूर फायदा मिल रहा है। ज़्यादा बारिशों से भी बहुत सारी बीमारियां पौधों में लग जाती थी, जो इस बार कम है बीमारियाँ। और अब जो बारिशें हो रही है, इससे टमाटर, शिमला मिर्च, मूली, इन सब के लिए अच्छी है बारिश। इस टाइम जो है शिमला मिर्च टमाटर के लिए बारिश बहुत अच्छी है, फ्रांसबीन के लिए भी बहुत अच्छी बारिश है। बारिश के होते हुए सर बिल्कुल अच्छा प्रभाव है। इस बार कम बारिश हुई है, उस हिसाब से जो जिस तरह से हर साल बारिश होती थी, उस हिसाब से मध्य वर्ग में इस बार बारिश हुई है। परंतु अब एक दो दिन से अच्छी बारिश हो रही है, इससे खेती को कुछ ज़्यादा नुकसान तो है नहीं, लेकिन खेती अच्छे से हो रही है और हमारे जो टमाटर की फसल है उसके लिए बहुत अच्छी है ये बारिश। ये तो सभी प्रकार के फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे गोभी होगी, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च होगी, बीन हो गए, ये हर एक चीज़ के लिए बहुत बढ़िया बारिश है। इससे लंबी फसल चलेगी, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चलेगी और इससे इस बार रेट भी अच्छा है किसान के लिए। ये अमृत से बढ़िया बारिश है।